हाय दोस्तों, वेलकम टू जागरण हाईटेक। 2024 में स्टार्टिंग में ही हीरो ने दिखा दिया है अपना हार्ले वाला रूप, मतलब जो X440 पिछले साल आई थी उसी का अभी हीरो बैच के साथ हो चुका है मार्केट में एंट्री। द मैवरिक 440, मैवरिक का मतलब आप जानते हैं थोड़ा सा सरफिरा, मतलब हटके जिसे कहते हैं। और डिज़ाइन भी आप देखिए, एक न्यू रेट्रो टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। मैकेनिकल्स इंजन वही है, लेकिन यहाँ पे काम किया गया है, सबसे बड़ा एरिया है वो है डिज़ाइन। चलिए आपको दिखा देते हैं मैवरिक 440 कैसी है, क्या कुछ यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं, और ऑल्सो कब आपको मिलेगी और कितना होना चाहिए एक्सपेक्टेड प्राइस। आप देख रहे हैं हाईटेक। अगर वीडियो पसंद आता है ज़रूर हमारे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। अब X440 की जो कीमत है वो 2,40,000 से शुरू होती है। तीन वेरिएंट्स में आते हैं वो, सेम हिसाब किताब यहाँ भी आपको मिल जाएगा। प्राइस आप लगभग 20,000 से 25,000 सस्ती मान के चल सकते हैं, लगभग 2,15,000 से मेरा अनुमान है इस मोटरसाइकिल की कीमत शुरू होनी चाहिए। अब ये बुकिंग स्टार्ट होगी, प्राइस जो अनाउंसमेंट है वो फरवरी के महीने में होगा, और डिलीवरीज मई जून से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीमियम आउटलेट जो हीरो ने खोल रखा है वहीं से इसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट होगी। चलिए आपको डिज़ाइन दिखाते हैं। यहाँ पे बड़ा सा आपको फ्यूल टैंक मिल जाएगा, मेटल में फिनिश किया गया, और इसके ऊपर मैवरिक बैजिंग है। चीज़ याद दिला दूँ, ये जो वेरिएंट आप पर्टिकुलर देख रहे हैं ये बेस वेरिएंट है। फीचर्स भी आपको बहुत हद तक हार्ले X440 ऐसे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे स्टील रेडियल टायर्स दिए गए हैं, लेकिन व्हील्स है स्पोक बेस वेरिएंट। आपको डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड मिल जाता है। सामने की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स का इस्तेमाल हो रहा है। अर्गोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी अपराइट सा पॉस्चर मिल जाएगा। मेरी हाइट है 5'8" और मैं काफ़ी आराम से यहाँ पे खड़ा हो पा रहा हूँ। अगर आप क्लोज आएँ तो यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन दिख जाएगा। हालांकि ये बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे कनेक्टिविटी फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको रिवर्स TFT स्क्रीन मिल जाता है। एक बार आपको अब एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं। इंजन तो वो सेम है 440cc का सिंगल सिलेंडर, लेकिन जो टॉर्क फिगर है वो पहले से थोड़ा सा गिर चुका है। लगभग 27 हॉर्स पावर और 36 न्यूटन मीटर का आपको यहाँ पर टॉर्क मिल जाएगा। कंपनी का दावा है लगभग 2000 RPM से आपको अच्छा टॉर्क बैंड दिख जाता है, विच मीन्स आप एफर्टलेसली सिटीज़ में भी चला सकते हैं, एंड ऑल्सो मोटरसाइकिल का जो ओवरऑल पॉस्चर है आप हाईवे पर भी वेंचर आउट कर सकते हैं। डिज़ाइन की बात करें तो आपको ऑल LED लाइट सेटअप मिल जाता है। सामने की ओर राउंड हेडलैम्प रखा गया है विथ क्रोम बेजल। टैंक के साइड में भी आप काफ़ी सारा प्लास्टिक मसल देख सकते हैं। जो फ्रेम है दैट इज़ सेम स्टील चली फ्रेम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है। यहाँ पे ब्लैक में फिनिश है। टॉप मॉडल के साथ आपको मशीन कट दिख जाता है। टॉप मॉडल में आपको अलॉय व्हील्स भी दिख जाएगा। पेंट फिनिश मुझे ढंग का लग रहा है। ये बेस वेरिएंट है तो ये आर्टिक कलर जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सीट की अगर बात करें तो सिंगल सीट रखा गया है। ये अगर स्टेप सीट होता मुझे लगता है और थोड़ा सा बेहतर, ज़्यादा अपीलिंग दिखाई पड़ता। ऑल्सो जो ग्रैब रेल है ये भी काफ़ी बेसिक सा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन द फिनिश इज़ गुड। मेटल में ग्रैब रेल फिनिश किया गया है। ऑल्सो टायर हगर की कमी आपको यहाँ पे थोड़ी सी खलेगी। पीछे की वो जो सस्पेंशन दिया गया है ये ट्विन कॉइल सस्पेंशन दिया गया है विथ प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी। एग्जॉस्ट की बात करें तो एग्जॉस्ट में भी आपको ऊपर एक क्रोम का केसिंग दिख जाएगा। कुछ और फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। काफ़ी अच्छा सा प्लेसमेंट है, आप यहाँ पे अपना GoPro या फिर फ़ोन माउंट कर सकते हैं। एडजस्टेबिलिटी ऑफ लीवर्स आपको बेस वेरिएंट में नहीं दिखेगा, हालांकि जो क्लच है वो स्लिप एंड असिस्ट क्लच के साथ यहाँ पे दिया गया है। 6-speed ट्रांसमिशन आपको इस इंजन के साथ मिल जाएगा। जो सामने के सस्पेंशन है ये एडजस्टेबिलिटी फीचर आपको प्रदान नहीं करते। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि शायद ओवरऑल मार्केट हार्ले और हीरो का बढ़े, लेकिन विल इट स्टैंड आउट इन द क्राउड, ये तो शायद टाइम ही बताएगा। प्राइस पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हीरो से हम एक्सपेक्ट करते हैं शुड गो अंडर हार्ले, एंड ऑल्सो ट्रायम्फ की जो मोटरसाइकिल आती है स्पीड 400, उससे भी ये सस्ती होनी चाहिए। हाउ मच वुड यू वॉन्ट टू पे फॉर दिस, आप ज़रूर हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, एंड कोई भी क्वेश्चन रह गया हो फील फ्री टू आस्क इन द कॉमेंट्स बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।